أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين وقال الله تعالى في كتابه في مقام آخر إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. حضرات ذی وقار، चंद बातें चंद दिनों तो सुनने अंदर मिल रही हैं, जिन्हां बातों नूं सुन के दिल बहुत ज़्यादा गमगीन है, परेशान है। दुआ करो, सब तो पहली तो बात यह वे कि जड़ियां बातें सुनने अंदर आ रही ने, अल्लाह करे झूठ होवे, इन्हां गल्लां दे अंदर कोई सच ना होवे, क्योंकि अगर ये अंदर कोई जरा भर भी सच है तो फिर इस मुल्क नू, इस कौम नू तबाही, बर्बादी और जिल्लत दे ठप्पियां चो दुनिया की कोई ताकत नहीं कढ़ सकती। अगर ये गल चंद परसेंट भी सच है ना, तो फिर समझ लो कि बर्बादी, तबाही और जो हालात तुहाडे सामने ने इतने ज़्यादा विगड़ तो सकते ने, लेकिन बेहतरी नहीं आ सकती। वो गल्लां कड़ियां ने मैं तुहाडे सामने जिक्र कर देना। चंद साथियों ने दसिया है कि आ जिहड़ा कोरोना वायरस का मामला शुरू होया, जान बुझ के एक बंदे नूं कोरोना वायरस है ही नहीं, उन्हें डिक्लेयर किया जाता है तेरे अंदर कोरोना वायरस है। अगर कोई कोरोना का मरीज़ शो किया जाए तो साड़ी हुकूमत कोई 10 to 15 हज़ार के करीब डालर बतौरे मदद वसूल कर दी, और अगर किसी बंदे की डैथ मौत लिख दी जाए कि कोरोना की वजह तो और इसमें असी दफनाया, उसकी मदद तकरीबन कोई 40 हज़ार डालर के करीब आ रही। मैं मिंबरे रसूल ते खड़ा, दिल खून दे आंसू रो रहा है। अल्लाह की इज्जत की कसम, जे ए सच्ची गल है तो मैं ईमानदार नाल दसो, इहदे नालों बड़ी जिल्लत क्या है, इहदे नालों वध के अल्लाह पाक के अजाब नूं किवें दावत दित्ती जा सकती है कि किसी की वालदा फौत हुई है। ये भी खबर सुनिया ने कि कईयां नूं मतलब कि जान बुझ के मार दिता गया। मैं तो फिर ये गल इन्ना, दुआ करो अल्लाह करे सब झूठ होवे। अगर तो सिर्फ अफवाहों की हद तक है, गल्लां की हद तक है, फिर तो चलो खैर सल है, लेकिन अगर ये वाकया तन हकीकत है, जान बुझ के किसी को किसी की माँ की मैयत को खोलिया जाता है और उन्होंने करोना डिकलेयर किया जाता है, और जान बुझ के अगर किसी के नाल कोई इस तरह का मामला किया जाता है, यार तुसी तारीख पढ़ के वेख लो, मुसलमाना से बड़ा बड़ा माड़ा वक्त आया है, लेकिन अल्लाह की कसम मुसलमान कभी इन्ना नहीं गिरया। वो कितने गई दीसा कि मुसलमान आपस के अंदर एक दीवार की तरह ने, एक जिसम की तरह ने, अगर उंगली ते दर्द होवे पूरा जिसम बेचैन हो जाता है। लानत पाओ यार इन्हां डालरां ते, चुल्हे च फूको यार ऐसे पैसे रुपये पाउंड, असीं प्यारियां नूं उन्हां नूं उन्हां दी माँ दा आखरी दीदार भी नहीं होण दिता, बाप का दीदार भी नहीं होण दिता, कैसा जुलम यार हो रहा है। बाहर सूरत दुआ करो अगर ये अंदर कोई सच्चाई भी है तो अल्लाह तबारक व तआला सानू अपने गैज़ो गज़ब तो महफूज फरमाए। जो कोई हुकूमत के बलबोते ते, ताकत के बलबोले ते, बलबोते ते बगावत करता ना, गरीबा नाल इस तरह कोई जुलम करता है तो कि इस तरह मददां दे नाल कोई पूरियां पै जानियां ने, इंज नहीं पूरियां पैंदियां। गैरत की जिंदगी बसर करो, अल्लाह दे बंदो अल्लाह दे कोलो डर जाओ। ये बहुत खौफनाक और लर्जा बर अंदाम खबर है,
अल्लाह पाक साढ़े हुक्मराना नू साढ़े मुसलमाना नू हदायत नसीब फरमाए, अल्लाह पाक इतफाक नसीब फरमाए। हजराते सी वकार अज अल्लाह तबारक व तआला दी तौफीक दे नाल 28वां रोज़ है, एक 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 करके बिल आखिर रोज़े मुकदे ही जा रहे हैं, इन्ना मुक ही जाना। जिवें रमज़ान एक एक रोज़ा करके मुकदा जा रहा है ना, एवें मेरे भाई तेरा साथ टुरदा पिया, इन्हें रुकदियां 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 एक दिन रुक ही जाना। रमज़ान मुकदियां 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 होर दो दिन बाद मुक ही जाना। अकलमंद बंदे वास्ते इन्ना ही काफ़ी है। रमज़ान ये भी पैगाम दे के जाता है कि बंदे आ, मैं आया हाँ तो वेला पता भी नहीं लगा, इंज भी तेनू तेरी जिंदगी का पता ही नहीं लगना। दिल बहुत ज़्यादा गमगीन है साढ़े शहर के, बहुत मैं उन्होंने मेरे गुमान के मुताबिक बामल इंसान ने, बंदा आलिम होवे मौलवी होवे बामल होवे इरला का बहुत बड़ा एहसान है। साढ़े शहर के नहायत शरीफ बामल हज़रत मौलाना सैयद मुहम्मद हनीफ शाह साहब तिरमजी, उन्हों का अकलौता ही बेटा से 24-25 साल का, अचानक दो तीन दिन पहले वो बेटा फौत हो गया। दुआ करो अल्लाह पाक मौलाना नू सबरे जजील अता फरमाए, भैणा नू सबरे जजील अता फरमाए। हुण जिहदी पूरी जिंदगी की कमाई एक ही पुत होए जवान होए और वह फौत हो जाए और बाप बिल्कुल लाठी ना चलते ने, थोड़ा जहा उन्होंने गुठने अंदर कोई प्रॉब्लम है। बाहर सूरत अल्लाह पाक सानू अपनी आखरत की तैयारी की नसीब तैयारी करन दी खास तौफीक नसीब फरमाए। हजरते जी वकार रमज़ानुल मुबारक दा आखिरी खुतबा है। अलहम्दुलिल्लाह सारे खुतबे अपनी अपनी जगह थे बड़े अहम मौजूआत हुए हैं। सब तो पहला खुतबा यह सी कि अगर कोई बंदा दुनिया और आखरत दे अंदर ये चाहता ना, मैं दिन ब दिन नेकी अंदर तरक्की करा, खैर अंदर तरक्की करा, उन्हों दोस्ती अच्छे लोगों नाल रखनी चाहिए, बुरे लोगों नाल अपना ताल्लुक नहीं रखना चाहिए। बेनमाज बंदे दी दोस्ती, जुगतबाज बंदे दी दोस्ती, जिहदी जबान दा झाका खुल गया, इन्हां लोगों की दोस्ती मैं पूरे जुमे च दसिया सी, पहले जुमे च, कि बंदे नूं वीरान कर दिंदी है। बड़े बड़े नेक घरां दे सुलझियां बच्चियां नूं बच्चियां नूं बद लोगों की दोस्ती ने बर्बाद कर दिता। जिंदगी इहदा बहुत ज़्यादा ख्याल रखो, दुआ करो अल्लाह अवारा ते बदां दी दोस्ती तो बचा के अल्लाह सानू अपने नेक बंदियां दी दोस्ती और साथ नसीब फरमाए। दूसरे खुतबा जुमातुल मुबारक अंदर मैं दसिया सी कि पूरे दीन का खुलासा एक जुमले अंदर ए वे, नेक बनो नेकी फैलाओ, नेक बनो और नेकी फैलाओ। अपना वक्त ज़ाय ना करो, बदी नू प्रमोट ना करो, गुनाह नू सहारा ना दो, शराब और फहाशी दे हेल्पर बन के ना जियो। यह सब नालों गंदी जिंदगी है कि बंदा गुनाह नू प्रमोट करे किसी की वजह तो। अल्लाह और रसूल की बगावत नू अगर ताकत मिलती है ऐसी जिंदगी नालों मौत 1000 दर्जा बेहतर है। दुआ करो अल्लाह पाक सानू नेक बन के अल्लाह सानू अपनी रहमत दे नाल नेकी फैलाण की तौफीक अता फरमाए। पिछला जुमा बहुत अहम तरीन सी कि लोगों नू मैं वेख रहा कोई नमाज का फिक्र नहीं, कोई रोज़े का फिक्र नहीं, कोई तराबियां का फिक्र नहीं, ईदी का बड़ा फिक्र है, हैं खरीददारी का बड़ा फिक्र है, कपड़िया का बड़ा, यानी ये नहीं पता कि असल ईद देवे कि माफ़ी लभ जाए, असल ईद देवे कि मालक राजी हो जाए। रमज़ान कद लिया, नबी पाक ने फरमाया जबरील आए सोने जिस बंदे ने रमज़ान जहा महीना पा लिया तो रब को माफ़ी मंग के पुग ना सकिया, कामयाब ना हो सकिया, वह बंदा भी खाक लुद्दा हो गया, वह भी बंदा बर्बाद हो गया। तो नबी पाक ने फरमाया आमीन, वाकई जबरील वह सत्यानाश हो गया जिन्होंने रमज़ान च भी माफ़ी नहीं लभी। वो माफ़ी का लभना ईद सी, नमाजे फजर का शौक दिल च पैदा हो जाता, आह तेरी ईद सी, तू तो कोई दिल की मैल ला लेंदा है तेरी ईद सी। लेकिन नमाज की कोई फिक्र नहीं, रोज़िया की कोई फिक्र नहीं, और साढ़े घर से कोई बीबिया फिक्र नहीं कि फलाने ना असी नहीं बोलते, फलाने नहीं बोलते, अल्लाह करे कोई ईद तो पहले पहले कोई खैर वाला मामला हो जाए। बस वो है ब्रांडा के चक्कर च कौम बर्बाद हो गई है, दसना है कि मैं एडा महंगा सूट पाया, फलाना ब्रांड पाया, फलाना पाया, फलाना पाया, यानी नमाज रोज़े ना कोई नहीं, ईदी नाल ईद नाल इस शॉपिंग के नाल जो हालात ने तुहाडे सामने ने। और मैं तुहानूं दस्सिया कि दीन अंदर इस ईदी का
और ईद के नवे कपड़े खरीद के पाण दा शरीयत दे अंदर कोई ऐसा तसव्वुर नहीं जिन्हों असी अपने दे मुसल्लत कर लिया है। दुआ करो अल्लाह पाक सानू सही माने अंदर अल्लाह पाक अपनी जात को माफ़ी मांग के ईद उल फितर अल्लाह पढ़न की तौफीक अता फरमाए। अंदर जे हसद दे जाले हो नफरतां दे जाले हो ते भावें तू 15,000 का सूट पा के ईदगाह आ जा हाँ ऐ भावें तू 5,000 का सैंडल पा के आ जा हाँ जे तेरा अंदर ही नहीं धुपया तेनू उत्तों माफ़ी नहीं मिली तो इस तरह लोगों नू ते बंदा धोखा दे सकदा तेरे रब नू नहीं बंदा धोखा दे सकदा। बाहर सूरत मैं पहले जुमे का खुलासा भी कर दिता है। दुआ करो अल्लाह पाक सानू अमल की तौफीक देवे। अज मैं इंशाअल्लाह रहमान चूँकि आखिरी जुमा है हबस गर्मी भी बहुत ज़्यादा है छोटिया छोटिया तो दो गल्लां करनियां ने दो काम अपनी जिंदगी करो तुहाडी जिंदगी रोशन होएगी तुहाडी आखरत रोशन होएगी सुखी रवोगे खैर बरकत ना रवोगे। दो चीज़ा इंशाअल्लाह अज मैं राज दियां तुहानू दसनियां ने कमाल दियां दसनियां ने और इंशाअल्लाह रहमान जी तुसीं आंदे ना गुर दियां गल्लां ए दो चीज़ा अपने पल्ले बन लो और सारी जिंदगी इन्हां ते अमल करो क्योंकि माशाअल्लाह जिहड़े लोग अव्वल वक्त ते आए हो अल्लाह दे फजल नाल तुसीं नमाजी भी जे तुसीं रोज़ेदार भी जे जिन्हें जोगे जे रब रब भी करदे जे बस जिंदगी च दो चीज़ों का ख्याल करो अल्लाह तबारक व ताला दुनिया भी बेहतर फरमाएगा अल्लाह क्यामत वाले दिन जन्नत के अंदर उच्चा दर्जा भी नसीब फरमाएगा। लो जी पहली गल जरा तवज्जो दे नाल सुन लो पहली गल केड़ी है मेरे प्यारे भाईओ पहली गल ए घट खाओ तो वंड के खाओ घट खाओ तो वंड के खाओ। आ कई बंदियां नूं भैड़ी आदत पै गई है कि रज के नहीं छड़दे थक के छड़दे ने जो साह उखड़न वाला हुंदा ना पसीनो पसीनी। आ मैनूं चंद दिन पहले एक मुंडा पता की आंदा आंदा कारी साहब मैं अज 5 रोटियां खादियां ने किन्नियां ओ करमा वाले ये भी गल्लां मिंबर ते तुहानूं दसणियां जरूरी ने तुहाडा मेदा जिवें रबट ना रबट रबट आ रहे जिन्ना भार पाई जाओगे उहदा बेड़ा गर्क कर दियोगे उहनूं फड़ के मिद दियोगे अपने मेदे नूं जिवें रबट है ना भार पाओ तो बिल्कुल मिदी जांदी है। अज दा मेरा जुमा सुन के ना कम अज कम कुछ नहीं ना कर सकते तो कम अज कम एक एक रोटी जरूर घटाओ। वो अल्लाह दे बंदे हो घट खाओ तो वंड के खाओ रब की कसम आखिरी साह तक खाओगे तो जे थक के छोगे तो वंड के नहीं ना खाओगे बस वो दिन औला है। डॉक्टर साहब ने मछली भी बंद मटन भी लड्डू भी हर शह बंद तो जे घट खाओगे वंड के खाओगे इंशाल्लाह आखिरी साह तक खाओगे। ये कोई सेहत नहीं कि बंदा 3 रोटियां खा के कहे अज मैं 3 खादियां ने भाई जेडे 3 खाते हो अज 1.5 कर दियो जेडे 2 खाते हो 1 कर दियो को मेदे नूं सुख लैण दियो थोड़ा खाओ वेखो। और रफोल दैन नबी पाक दी सुन्नत है अल्लाह दे बंदे हो जे उच्ची आमीन सुन्नत है सिर ढकना सुन्नत है मसवाक करना सुन्नत है और करमा वाले हो थोड़ा खाना भी नबी पाक दी महबूब सुन्नत है पूरी जिंदगी दी सुन्नत है। मैं इस पासे नहीं जाना चाहता वरना मैं तुहानू ढेर ला देना हवालिया दे नबी सलाम ने सारी जिंदगी आ कन्न खोलियो सारी जिंदगी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसे एक टाइम च भी रज के नहीं खादा ते असी कोई मौका नहीं छड़दे कि बिल खसूस शादियां दे मौकियां ते की हुंदा है किन्ना रिजक जाया होंदा है की कुछ असी प्लेटां च जाए करने हैं की सूरत हाल है सारे मामले तुहाडे सामने ने और वेखो वेखी मुआशरे का बड़ा गर्क हो गया। हालांकि नबी पाक की सही हदीस है आपने फरमाया कट्ठे खा रहे हो तो किसे वास्ते ये हलाल नहीं जायज नहीं कि कट्ठियां 2 खजूरां चुक के मुँह च पाए 2 खजूरां कट्ठियां चुके अगर दूसरी खजूर उठानी है तो नाल दे कोई इजाजत लवे। मेरे प्यारे भाई वालों पहली गल मुकम्मल हो गई है दूसरी भी सुनो तो इंशाल्लाह नमाज खड़ी करिए। पहली गल मेरी आम कर दो मेरे भाईओ घट खाओ तो हलो अद्धे बोलते हो बस घट खाओ तो वंड के आ जड़ा जेहन बन गया ना ढेर लाई जाओ लाई जाओ लाई जाओ इस पुतली इस पुतली इस पुतली इस धीली कि ये को अपना नसीब नहीं लैके आया तेरी ड्यूटी किन्ने लाई है कि ढेर लाई जा कुछ अपने ते भी खा पी ते वरत। मैं तुहानूं एक बंदे की सच्ची गल दसना
हूँ वह बंदा मतलब चंगा भला मतलब 1.5-2 लाख के करीब वो आमदन है तो उन्हों मतलब हकीम ने थोड़ी जी गजात दा छड़ी कि भाई आ फल फूल खाया कर उन्होंने जोड़न की बड़ी आदत है। तो मैं क्या हजरत साहब को खा पी लिया करो रब ने दिता है तो आंदा हौका भर के आंदा हाँ कारी साहब बच्चिया च कितने खाधा जाता है हालां जाफरान भी खावे तो रब की कसमें डेली खा सकता है कस्तूरी भी डेली जिन्ना रब ने दिता कस्तूरी भी डेली खा सकता है नी तो माड़ा बस जोड़न की आदत पई है उत्थे प्लाट लीला उत्थे लीला ओए तेरे प्लाट किसे काम नहीं आने ओए ओ खुदा दी कसमे प्लाट तेरे किसे काम नहीं आने लोगों की हक तलफी ना कर बैंक बैलेंस बाहर कढ प्लाट वेज भैणा ते खर्च कर भरावां ते खर्च कर कमजोरां नूं कर्जा दे वंड के खा आखिरी साह तक खाएगा करोड़ों के लखां का बैंक बैलेंस छड के जाना कोई इज्जत नहीं कोई जित नहीं। सुनो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते कुरान यार मैं तुहानूं एक वाकया सुना दिना वाकया जरा लंबा है लेकिन इख्तसार करा। एक बादशाह सी उहदे ते दुश्मन मुसल्लत हो गया बहुत ज़्यादा मालदार सी इन्ने उहदे को हीरे सन इन्ने मोती सन लेकिन है उहनूं जोड़न की आदत सी भैड़ी उहने ना तहखाने बनाए अपने महल के खब्बे सज्जे बस सारे हीरे मोती उत्थे ही वाड़दा रहा ना फौजियां नूं सही तनखाह दिंदा सी ना मतलब को मुल्क दे मां बस उहनूं जोड़न की आदत सी अंदरों किसी ने मुखबरी कर दित्ती दुश्मन नूं दस दित्ता कि भाई फौजी इत्थे भरे पीते ने तो कोई नहीं जाता उन्होंने मशहरा तो यह बहुत बखील जहा बंदा इन्हें हीरे मोती ना अपना खाण पीने ने रखे है तो महल के खब्बे सले ने नपे ने हीरे मोती तो हमला करना तो कर दियो खैर हमला हो गया वह फड़े आ गया जेले टुर गया वो जो जेले गया ना बादशाह तो बिल्कुल मरनका हो गया उन्हें एक चिट लिखी जिस दुश्मन ने गलबा किया उन्हें कहा मैं भाई जेले पिया मरना तो भुखा पिया मरना चल यार जो मर्जी कर ला को मैंने कोई एक टाइम की चज की रोटी मेरी लुआ दे जेले आखिर मैं भी बादशाह रहा उन्हें पता की किया इधर वेख्यो वो तहखाने के खब्ब्यों सज्ज्यों सारे हीरे के मोती कटे इंज उन्हें ट्रे च रखे बादशाह ने उन्हें कहा जाओ जाके इन हीरे मोती पेश करो तो इनू कहो जे दब्बे सन हूँ खा उत्थे उन्हें अरबी का एक जुमला बोलिया उन्हें आख्या इन्नल जवाहिरा ला यू कल बोलो हाँ अरबी इन्नल जवाहिरा ला यू कल इन्नल जवाहिरा उन्हें कहा बिला शुबा मोती तो नहीं खाए जाते रोटी खाई जाती है उन्हें कहा जे मोती खाते नहीं जाते तो मरने इन्हें दबे क्यों सन इन्ना जोड़ के दब के ना रखता हक तलफी ना करता अज तेरी यह हालत ना होंगी छड्डो केड़ा भला सलूट मारदा केड़ा नहीं मारदा केड़ी भैन चज ना बुलांदी है नहीं बुलांदी ओए खाण पीन दे मामले अंदर अल्लाह दे ओ बंदे ओ ओए घट खाओ ते वंड के खाओ इंशाल्लाह ए मेरा दरवेश दा कहण जे आखरी साह तक खाओगे। हस्पताल भर गए डॉक्टरां नूं वेल नहीं एदी बुनियादी खराबी जे बहुता खाना मैं अल्लाह के फदल नाल तुहानू तहदीसे नेमत लई दस रहा जे तुहानू अज मैं जुमा पढ़ा रहा ना जाओ मेरे घर जाके रिपोर्ट ले लो पूरा महीना शाम के टाइम मेरे घर च रोटी नहीं पकी अल्लाह की इज्जत की कसम पूरा महीना सिर्फ ओ ही खजूर ओ ही पानी या जेड़ी चीज़ अफतारी च आ गई सहरी के टाइम बिस्मिला पढ़ के रोटी डेढ़ रोटी जो नसीब हो गई तो अजीब सूरत हाल है। मैं ना मतलब है कि वो अफतारी का टाइम की होंगे जिम्मे को बड़ा वाला जिहाद नहीं होना ना मेरे प्यारे भाईओ ना जुलम करो यार इस मेदे ने की बिगाड़िया इस पेट ने की बिगाड़िया नबी पाक ने फरमाया बंदे ने जड़ा सब नालों गंदा बर्तन भरया ना कन खोलियो यार मैं गल मुकाव मा माला इबन आदम व्यान शर्रम मिम बदनी फरमाया इंसान जड़ा सब नालों गंदा बर्तन भरद ना उस बर्तन का नाम है ढिड पेट मैं अपनी मुअज्जज़ात की खिदमत अंदर भी एक दरखास्त करांगा एनू छोटा मजमून ना समझो ऐ सेहत के बारे दसना है कोई छोटा मजमून है हुण निरा मैं तुहानू यह कहां कि आ जिक्र करो आ वजीफा करो तो साह निकले ना बिल्कुल अल्लाह की कसम अज मेरी गल ते तुहानू दो तीन दिन हो सकता माड़ी मोटी तकलीफ होवे जाहिर है हुण जिहड़ा तीन खांदा डेढ़ ते आएगा तो एक बारी है
डेढ़ एक बारी बंदे की जान तो जाती है ना ना मेरे प्यारे भाई सेहत का राम जे कट खाओ तो वंड के खाओ तो कुरान ने की आख्या अल्लाह फरमा रहे ने ऐ मेरे महबूब पैगंबर इमाम उल अंबिया जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान कर दियो सुनो लोगो जी मैं गल तुहाडे नाल करनी चाहना ए कुरान तुहानू कुरान नमाज पढ़न दा भी हुक्म दिंदा है ए कुरान तुहानू ज़कातां देण दा भी हुक्म दिंदा है ए कुरान तुहानू हज करन दा भी हुक्म दिंदा है ए कुरान तुहानू सच बोलन दा भी हुक्म दिंदा ते ए कुरान तुहानू आंदा घट खाओ वंड के खाओ सदा खांदे रहोगे क्यों जिहड़ा घट खावे वंड के खावे अरशां ते रब उहदे नाल प्यार ही बड़ा करदा है माँ प्यो को मछली लुको के खड़ना है माँ प्यो को सेब लुको के खड़ना है अब बदबख्ता तेनू नंग किवें जांदा है चुप करके उत्ते चढ़ जाना है माँ तेरा छापर वेंदी रह जाए माँ तेरे चेहरे नू वेंदी रह जाए और तेरा कलेजा इन्ना सख्त हो गया कि माँ तो भी छुपा के खाण लग पे है बाप तो भी छुपा के खाण लग पे है की इन्हें अंबा की हैसीयत है की इस फल की हैसीयत है जिन्हें तेनों अपने खून के कतरे दे के पालिया लोगों दियां झिड़कां सुन के मेहनत मजदूरी करके तेनों पालिया ते पता नहीं उन्होंने दिल च किन्ने अरमान सन मेरा शहजादा जवान होएगा मैनू खवाएगा मैनू पिलाएगा तो जालमा तू एक टाइम के फल का रवादार नहीं मेरे वीरियो मेरे भराओ जिन्ना मैं दीन पढ़िया जे मैनू तो एक गल समझ आई जे सौ गज रस्सा ते जल्दी गंढ मारो गल मुकाव सौ गज रस्सा ते कट खाओ वंड के खाओ अल्लाह दियो बंदे आखरी सां तां खाओगे अल्लाह पाक ने फरमाया वकुलो वशरबो वला तुसरिफो इन्नहु ला युहिब्बुल मुसरिफी अल्लाह पाक फरमाते ने खाओ ते पियो खाओ ते पियो खाओ ते पियो वला तुसरिफो इसराफ ना करो फजूल खर्चियां ना करो हदों ना टब्बो इन्नहु ला युहिब्बुल मुसरिफीन अल्लाह पाक फजूल खर्चियां करन वालियां नूं पसंद नहीं करदा बहुता खाण वालियां नूं अल्लाह पसंद नहीं करदा जिहड़े थक के छड्डदे ने अल्लाह अच्छा पहले लोग रज के छड्डदे सन हुण ना मेरे वीर वे बड़ा वड्डा जुलम है यार अपने नाल बड़ा वड्डा जुलम है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी इस कुराने पाक दी ऐत अड़दर में हदीस सुनाई है ना ऐत ते अलामा इब्ने रजम ने लिखे है ऐ सारी डॉक्टरी ते सारी तिब दी बुनियाद नबी पाक दी इस हदीस ते वे ते कुराने पाक दी इस ऐत ते वे अगर मुसलमान कुराने पाक दी इस ऐत ते अमल कर लवे बहुता ना खावे ते वंड के खावे इस हदीस ते अमल कर लवे कि इहदे नालों भैड़ा बर्तन कोई नहीं इहनूं बहुता नहीं भरना ते एक हजरत साहब ने लिखे है मैडिकल स्टोर भी बेआबाद हो जाण ते बड़े बड़े हस्पताल भी बेआबाद हो जाण लो जी मेरी पहली गल मुकम्मल हो गई फरमाया वकुलो वशरबो वला तुसरिफो मेरे वीरियो घट खाओ ते वंड के खाओ दो दिशा सुन लो फिर अगली गल करा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोलो पुछया गया अय्युल इस्लाम ए खैर अल्लाह दे नबी इस्लाम दी केड़ी गल सब नालों चंगी है केड़ी गल सारे नालों बेहतर है नबी पाक ने यह नहीं फरमाया तजद पढ़ना सारे नालों बेहतर है नबी पाक ने यह नहीं फरमाया गर्मियां दे रोजे रखना सारे नालों बेहतर है नबी पाक ने यह नहीं फरमाया हज करना सारे नालों बेहतर है किसी ने पूछा बुखारी शरीफ किताबुल ईमान अय्युल इस्लाम खैर अल्लाह दे नबी इस्लाम दी केड़ी शै सब नालों बेहतर है नबी पाक ने फरमाया इत्आमुत्ताम इस्लाम दी सब नालों बेहतर गल ए वे वंड के खाना और वंड के खाओ ये अल्लाह दे बंदे हो वंड के खाओ अल्लाह जानता जे बड़ी वड्डी राह दी गल जे एक बुजुर्ग सर उन्होंने ना शागिर्द मिलन गया ते उन्हें आख्या माशाला 86-90 साल माशा तुहाड़ी उम्र हो गई है ते माशाला मटन गोश्त मुर्गी परिंदे माशा सारिया नेमतां इंज खांदे हो जिवें 18 साल का जवान खांदा ते राज की है बाबे हो आने क्या पुत्र 86 भावें 186 हो जाए इंशाल्लाह सारा आखिरी साह तक ही खाना है पुछया जी ये कि राज आ उन्हें क्या पुत्र अलहमदुल्ला सारी जिंदगी घट खाधा है तो वंड के खाधा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने आए मक्का छड़ के अल्लाह तुहानू मदीने की ज़ियारत नसीब फरमाए
नबी पाक सल्लम मक्का छड़ के मदीने आए ते मदीने आके नबी पाक ने सब तो पहला वाज फरमाया ते सब तो पहले वाज अंदर नबी पाक ने फरमाया या यूहन्नास आते मुताम मैं मक्का छड़ के मदीने रब दा नबी आया ते मेरा सब तो पहला हुक्म है वे वंड के खाया करो। यहाँ से यार गल सुनो हूँ जो मैं ना वंड के खाओ तो जिन्हें दी ना 15,000 20,000 तनखा है ना आते लो जी साड़ी तो जान छुट्टी ना थोड़ी क्यों छुट्टी तुम अपने दायरे च रह के वंड के खाओ तुम 10 रुपए की शह खवाओ तुम 20 रुपए की शह खवाओ जिन्हें दी लखा च आमदन है वह सैकड़िया हजार च खवाओ अपनी तनखा चो कटो हाँ कोई 500-500-10,000 कोई सैड तो करो हाँ तो लोगों को खवाओ पिलाओ गरीबा मिसकीना कि खानदान है जिद च बेवा नहीं किड़ा खानदान है जिन्हें यतीम बच्चे नहीं यतीम रुल गया अल्लाह दे बंदे हो कट खाओ तो वंड के खाओ सारी जिंदगी खाओगे लो अलहम्दुलिल्लाह पहली गल मुकम्मल हो गई बल्कि कुरान च अल्लाह पाक ने फरमाया अल्लाह फरमा रहे ने लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकु मिम्मा तुहिब्बून वमा तुनफिकु मिन शैइन फइन्नल्लाह बिही अलीम। जे आप मक्खन खाते हो तो घर जिहड़ा परौणा सैरी कर रहा वो अगे भी मक्खन रखो जे आप दुध बत्तियां पीते हो तो परौने भी दुध बत्तियां पिलाओ। एक काम बड़ा औखा है कि देसी घ्यो ज घर मुर्गा पक्का हो मेहमान अगे वो रखना वरना रब की कसमें मैं बड़िया बड़िया अकलों वाले शकलों वाले इलमां वाले वेखे ने अपने घर होर खाते ने मेहमान की गल उन्हू कोल कोली शौरे की देन लगे तो मौत पै चली सी तेनू एडा तू ढिडो पलीत है एडा तेरा रब ते तवक्कल थोड़ा है कि जे कोई बोटी वह खा गया तो पता नहीं की हो जाना है तो तू कि कोई चार बोटियां वध खा के असमान से चढ़ जाना है। मेरे प्यारे भाईओ कट खाओ वंड के खाओ जिहो जिहा आप खाते हो ओह जिहा मेहमान नूं खवाओ है ब्रैलर तो जान छड़ाओ सब्जी खा लो दाल खा लो यार मटन पाइया छोरा वह 2 किलो बना लो 1.5 किलो बना लो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है शोरबा ज्यादा बनाओ। अज जिन्हें बच्चे आ लगे ने ना कि शवारमे कि शोरमे शवारमे सैंडविच सैंडविच पीजे नकसीर फुटदिया ने कब्जा होंदिया ने हैं कमजोरियां डॉक्टर ने ताकत कैप्सूल लिख खजूर नहीं खानी और डॉक्टर ने जेड़ा 100-150 का कैप्सूल लिख के दिता वह खाना है बेड़ा गर्क करता इन्ना शवारमिया इन्ना पीज बाइकाट करो इन चीज़ों का थोड़ा खाओ सोना खाओ वंड के खाओ। लो जी अल्लाह पाक आ नुकता समझण की तौफीक दे दे राते जी वकार हूँ दूसरी गल सुनो तो इंशाल्लाह गल खत्म करिए मेरे और तुहाड़े पीरो मुर्शद इमाम अंबिया जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी जिंदगी घट खाधा तो वंड के खाधा जे मैं इस पासे टुर गया तो फिर बड़े बड़े लम्मे वाकियात बड़िया गल्लां इशारा तुहानू मैं दे दिता है। दूसरी गल सुन लो मेरे प्यारे भाईओ अल्लाह दे ओ बंदेओ दूसरा काम ये वे पहली गल घट खाओ तो वंड के खाओ सारी जिंदगी खाओगे तो दूसरी गल ये मेरे वीरेओ मुहब्बत वंडिया करो अल्लाह की इज्जत की कसम जिहड़ा बंदा मुहब्बत वंडद अल्लाह पाक उस बंदे नाल प्यार ही बड़ा करता है। मेरे वीरियो मैनू दसो अहीं इत्थे लड़न आए हैं हर बंदे ने हाथ च कुहाड़ी फड़ी है सस नौ तो तंग है तो नौ ने अपनियां बंदूकां चुकियां ने सस ने अपनियां तोपां कढ़ियां ने घर च अजीब सूरत हाल बनी है छोटी छोटी गल ओए पहले लोग जोड़न का बहाना लभदे सन हुण लोग लड़न का बहाना लभदे ने मैनू को पॉइंट मिले सही मैं थप्पड़ मारा मैनू गाल कड़ा मैं दा गिरब उन्हें आख्या मेरे उन्होंने इंज वेख्या मैं नहीं फिर वेख्या ये कोई इज्जत है तू की नहीं वेख्या तू की सिर्फ रफल दीन समझ लिया आमीनू दीन समझ लिया तू सिर्फ नमाज नू दीन समझ लिया तेनू किसी ने नहीं मसले की वंड करके दसी कि नबी पाक ने फरमाया कुरान आंदा अल्लाह झगड़ालू बंदे तो सख्त नफरत करता है लड़न वाला बंदा खिरेबान फड़न वाला बंदा फायर करने वाला बंदा गल गल ते गालां कढ़न वाला लड़न वाला बंदा अलद्दुल खिसाम फरमाया रब दियां नजरां च जानवरां नालों भी बदतर इंसान।
लड़ाई बंदे नूं गंजा कर देंदी है। फरमाया जिवें सिर दे वाल उड जांदे ने सिर ते कुछ नहीं रह जांदा। फरमाया लड़ाई इसे तरह बंदे ने नेकियां नूं खत्म कर देंदी है। जिवें गंजे दे सिर च वाल नहीं रह जांदे, इवें लड़न वाले बंदे दे नामा अमाल अंदर नेकियां दा नामो निशान मिट जांदा है। ओए लादियो बंदियो की खुदा दी कसम है, ओ राह जांदे आ माड़ी जी किसे नूं मोटरसाइकिल की लग गई, माड़ी जी गड्डी की लग गई, वो माड़ा जहा पैर वो इंज बाद चो कहता पहला आंदा अन्ना होया यार, उन्हें को तेनों जान के मारी, तेरी वो सत्त कवंजा है कोई शरीका है, किस वेले नहीं ब्रेक लगती यार, नहीं पता लगता, कोई नहीं जे थोड़ी जी तेनों तकलीफ हो गई यार सबर कर जा। उन्हें कोई नहीं यार भाई, कोई नहीं यार कोई मसला लो, इन्नी गल तो मान तेन दसो कतल होंगे ने कि नहीं। जे दूसरी बंदे वरी मारे माड़े बंदे ने पैसे मांग लिया उन्होंने कतल करता है, उन्होंने थप्पड़ मारे ने। और मेरे वीरे थोड़े जे सह रह गए जे, थोड़े जे सह रह गए जे, मुहब्बत वंडो दिलों नूं करीब करो, नफरत खत्म करो, असी लड़न वास्ते नहीं जे आए। मेरे और तुहाडे पीरो मुर्शिद इमामुल अंबिया जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे प्यार दे डीपू बन के आए, मुहब्बतां दे सलाब लैके आए, नबी ला पलाम प्यार लैके, आपने फरमाया एक दूजे नाल प्यार करो, एक दूजे नाल तोहफे दिओ, एक दूजे दे आबां ते पर्दे पाओ, एक दूजे दे दिलां नूं करीब करो। तू बाप नाल प्यार नहीं करदा, मां नाल प्यार नहीं करदा, रेम दे रिश्तेदारां नाल प्यार नहीं करदा। और मेरे भाई कोई किन्ना भी शरारती क्यों ना होए, इराज कर लिया कर, सबर कर लिया कर, खामोश हो जाया कर, किसी का मिजाज पसंद ना होवे चुप कर जाओ, झगड़ा ना पाओ, जियो तो जीने दो। आला दर्जा तो यह कि नेक बनो तो नेकी फैलाओ, लेकिन कम अज कम जे एडे अच्छे मुसलमान असं नहीं ना बन सकते, फिर कम अज कम थलड़ा स्टेज आ। अगर किसी का तुहानू मिजाज पसंद नहीं, बीवी का पसंद नहीं, भैन का पसंद नहीं, किसी हम नहीं मिजाज मिलता, खामोश हो जाओ, चुप वट लो, सैड पर हो जाओ। परदे अंदर खवातीन बैठिया ने, मेरिया कुछ गल्लां ना बड़िया तलख हुंदियां ने, लेकिन चूंकि मेरी मंजिल सिर्फ रब राजी करना है, ना बंदे राजी होंदे ने, ना इन्हां चक्करां च असीं कदे पाए। मेरिया मौजज़ात कन्न खोल के सुन लो, जेड़ा बंदा रब को नहीं ना डरिया उन्हें तेरा भी हया करना। और बीबी जी नूं रब दा हया नहीं, और तेरा हया की करेगा, तेरा हक किवें देगा, छड़ दे रोज रोज दे ताने ते रोज रोज दीआं गल्लां, सबर कर लै, नहीं तेरा गुजारा होंदा, खुला ले लै जान छड़े दी, अल्लाह दी जमीन बड़ी वसी है। लेकिन आए दिन का तमाशा, आए दिन का झगड़ा, आए दिन दे गिरेबान पकड़ने, आए दिन दियां गालियां, जिहड़ा रब को नहीं डरिया उन्हें तेरा की हया करना है। ते मैं मर्दां नूं ही कहांगा, जिस बीवी का झाका लै जाए ना, उन्हें आदत पै जाए ना खामद के खिलाफ बोलण दी, जिहदा झाका लै जाए, जिन्हों नशुकरी की आदत पै जाए, पहाड़ अपनी जगह हिल सकता है, तुसी उस बीबी नूं ठीक नहीं कर सकते। बीबिया ने बहस नहीं करी दी, खराबी होंदी जे घरों टुर जाओ, वजू कर लो, सैड ते हो जाओ, चुप कर जाओ, सबर करो, बर्दाश्त करो। यार रोज रोज का घर का झगड़ा, लड़ाइया, गिरेबान फड़ने, दुआ करो अल्लाह इस लड़ाई की लानत तो महफूज फरमाए। हज़रते ज़ीवकार जड़िया गल्लां मैं करनिया जाना, नबीए कुल कायनात इमामुल अंबिया जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुहब्बत वंडो असी लड़न वास्ते नहीं आए। वीरियो मैं अज्ज दे जुमे च एक तारीखी जुमला बोलना चाहना, तो हाथ जोड़ के गल कहनी चाहना, तुहाडे हाथ वास च होवे ते किसे बंदे की खुशी खराब ना करियो। जनाजे ते टुर जिया करियो, जींदे जी सौ वादे घट हो जाते हैं, जनाजे ते टुर जिया करो, वलीमे ते टुर जिया करो, शादी ते टुर जिया करो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल एक सहाबी आया, कहण लगा अल्लाह दे नबी मेरे रिश्तेदार बड़ियां जहालतां करदे ने, बड़ियां चवलां मारदे ने, बड़ियां ज़्यादतियां करदे ने, बड़ियां हक तलफियां करदे ने, एक दो तीन चार गल्लां कीतियां, ते मैं अल्लाह दे नबी कुछ नहीं कहिंदा, जबान सीती है, खामोश रहिना, दरगुजरी करना, माफ करना। इधर वेखियो जदों ने इन्नी गल कही ना, आपने मैं है वो वाकई इंज कर ले, क्योंकि ईमानदार ना बोलो योजे बंदे होंगे साढ़े चो कि ने, मेरे समेत किन्ने ने, असर मिल के बैठे हैं यार। वो आपने मैं है
वाकई इदा करने वो चवला मारते ने खच्चा मारते ने वादी घाठी करते ने सियाती करते ने तू चुप रहना सैड ते रहना इराज करना नहीं तकलीफ देंदा। मैं क्या हाँ अल्लाह दे नबी अल्लाह की कसम इस तरह ही जे मैं नहीं जे कभी वादा घाटा किया मैं नहीं जे कभी जवाब दिता। नबी पाक ने फरमाया फिर दो गल्लां सुन लै तेरे रिश्तेदार तेरे खिलाफ कभी भी कामयाब नहीं होंगे जिन्नी देर तक इंजी करता रहेगा अल्लाह रहमत दे फरिश्तिया ना तेरी मदद करता रहेगा। गल तो वैसे बड़ी सख्त है लेकिन गल है बड़ी वजनेबल ता मैं कर लगा। उन्हें क्या है जे बंदा चलता 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 बंदा राज भौंकण वाले हर कुत्ते वट्टा मारेगा तो कभी भी मंजिल दे हर किसी जो गाल कढ़न लग पोगे हर किसी का जे गिरेबान फड़न लग पोगे भाईओ कभी जन्नत वाली मंजिल ते नहीं जाओगे। लाहौर का वाकया सुन लो एक छोटी जी हदीस सुन लो सिर्फ दो गल्लां। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि लाहौर का मैं एक वाकया सुनया एक बंदे नूं ब्लड कैंसर हो गया। ब्लड कैंसर बड़ा खतरनाक कैंसर है इलाज मुआलजा भी किया तो किसी रूहानी बंदे को चला गया जिक्र फिक्र बन करने वाले बंदे को चला गया। उन्हें नाल उन्हें एक पढ़ाई दसी उन्हें कहा पढ़ाई पढ़ तो दस तेरा असल इलाका कि उन्हें पता नहीं शेखपुर का कोई इलाका दसिया उन्हें कहा मैं फलाने इलाके का। उन्हें कहा बड़ा वड्डा अफसर से उन्हें कहा अफसर साहब वो अपने भैन भरावान रिश्तेदार फिरिया तुरिया बैठिया उठिया उन्होंने खाधिया पिटिया कि गरसा हो गया उन्होंने कहा साल के साल ही हो गए उन्हें छुट्टी नहीं लभदी। उन्हें कहा भी दिन वास्ते हर शह बंद छंद करके चल पिछे तो पैसे लै जा उन्होंने खवा उन्होंने पिला उन्होंने बह उन्होंने खा उन्होंने हस खेड वो तरसे हो गए तेनों टुर गया भी दिन उथे रहा किन्ने दिन 15-20 दिन उथे रहा। जड़ा कोई गरीब सी किसी को सिलाई मशीन लै दिती किसी के घर वेखिया फ्रिज नहीं सी उन्होंने फ्रिज लै दिती और लोगों को बड़ा बड़ा पैसा जे रिश्तेदारों को झूठ बोलते जे बड़ा बड़ा पैसा नीत ही ठीक नहीं रब की कसम तरबीयत ही नहीं बस जेन बने जोड़ी जाओ जोड़ी जाओ जोड़ी जाओ किसी काम का नहीं तेरा जोड़िया सारिया की जरूरत पूरी की दावत कीतियां अल्लाह की कसमें लोगों मैं मिंबर से खड़ा 20 दिन महीने तो बाद उन्हें टेस्ट करवाया है अल्लाह ने ब्लड कैंसर का नामो निशान भी खत्म कर दिता है। मुहब्बत वड्डो दिल दिया गंडा खोलो सब नू माफ कर दियो। आ मेरा अजदा जौके रासख आ जे वट्सअप वगैरह इस्तेमाल करते हैं उन्होंने पता है मैं रोजाना कोई ना कोई जौके रासख कोई ना कोई हदीस अलहमदुल्ला फेसबुक से वट्सअप से भेजता रहना अजदा जोड़ा मेरा जौके रासख तो लगे ना वट्सअप से वह मैं लिखे है और माफिया मंगते फिर ना जो बंदा माफ करे और तन्हाई में दूसरों के लिए माफ़ी मांगे अल्लाह उसको बहुत जल्द माफ कर देता है। माफ करो सिर्फ माफ नहीं करना ते लोकां लई माफी या अल्लाह मेरी भैन नू माफ कर दे या अल्लाह आओ मेरा भरा है एवें को नक बोल वटी फिरदा है अल्लाह उत्ते भी रहम कर दे मेरे ते भी रहम कर दे अल्लाह को सुलह दे सबाब पैदा कर दे। ओ यार गंडा खोलो माफ करो माफिया मंगो ओ यार असी को मतलब इत्थे को लड़ना है इन्ना करंट खुदा की कसम लड़ाई का वो लोग जनाजगाह लड़ पैंदे ने जनाजगाह लड़ पैंदे ने अल्लाह ना करे मस्जिद के अंदर लड़ाई हो जाती है। ज़ेन बना लो आखिरी हदीस सुन लो जुमा खत्म नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने आना ज़ईमुम बि बैतिन फी रबदिल जन्ना मन तरकल मेरा अवलौ कान मुहिक्का औ कमा गान। नबी पाक फरमांदे ने जिहड़ा बंदा हक ते हो के भी लड़ाई नहीं करदा बिल्कुल हक बजानब है लेकिन नहीं लड़दा फरमाया जिहड़ा बंदा हक ते हो के भी नहीं लड़दा मैं अल्लाह दा नबी गरंटी देना मैं जन्नत दी फ्रंट ते अल्लाह पाक दे कोलों उस बंदे नूं कोठी लै के दवांगा जन्नत वर्दी फ्रंट ते बेहतरीन अल्लाह दे नबी पाक ने फरमाया फी रबादिल जन्ना शानदार कोठी लै के देंगा। बस अज दे जुमे दा खुलासा यही है कि जे रोटियां तीन ने ते वह डेढ़ नहीं होनी है दो करो आ जड़े बहुत आते ना डेढ़ वाले इन्होंने सवा तीन तो करनिया ने इन्हों को पौनिया तीन भी नहीं होनिया घट खाओ तो वंड के खाओ इंशाला आखिरी साह तक खाओगे।
आज जरा रूटीन नालों जरा गिलास पानी घट पी के वेख्या जे, रूटीन नालों थोड़ा जा घट खा के वेख्या जे, तबीयत माशाल्लाह बाकी बीमारी वादा घाटा वायरस ने सिस्टम चलते रहिंदे ने। यह कोई जरूरी नहीं कि जिहड़ा बंदा परहेज करे उत्ते बीमारी आउंदी नहीं, यह किसे वेले तकलीफ भी अल्लाह की नेमत बन जाती है। लेकिन मेरे प्यारे भाईओ, यह मुढ़ जे बीमारियां दी ज्यादा खाना, अल्लाह पाक सानू घट खाण दी ते वंड के खाण दी तौफीक दे दे। अल्लाह पाक सानू मुहब्बतां वंडन दी तौफीक दे दे। फरमाया इन्नमल मुमिनूना इखवान फअस्लिहु बैना अखवैकुम वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुरहमून। अजीदे मोमनो ईमान दी तजदीद हो गई। और निरे कुड़तियां वल तवज्जो ना करो, निरे सैंडलों वल तवज्जो ना करो, निरिया घड़िया दे टोपियां वल तवज्जो ना करो, बीबीओ निरे मेकअप वल तवक्कल ना करो, निरे मेकअप वल तवज्जो ना करो। असल ईद केड़े बंदे दी है, जीदे मोमनो ईमान दी तजदीद हो गई, बख्शे रब ने गुना समझो ईद हो गई। ईद तो वो है ना जेदे बारे अल्लाह ने कहता फरिश्ते गवाह हो जाओ मैं अपने इस पापी बंदे नू माफ कर दिता। अल्लाह साढ़े बारे ऐलान कर दे, जेडे बाहर बैठे ने बड़ी तकलीफ च ने, बड़े हवस ने, अल्लाह भाई तुहानू दोहरा अजर अता फरमाए। ईद तो वो है जिन्हू अल्लाह ने कहता मैं बख्श छड़िया। जिदे मोमनो ईमान दी तजदीद हो गई, बख्शे रब ने गुना समझो ईद हो गई। शिरक छड़ जिन्ना मनी रब दी तौहीद, शिरक छड़ जिन्ना मनी रब दी तौहीद, बिदत छड़ जिन्ना मनी नबी दी हदीस, जन्नत ओना खुश नसीबा नू नसीब हो गई। अल्लाह जिन्हें भी गुनाहगार आ मालका शिरक गवारा नहीं हूँ, जिन्हें भी गुनाहगार हाँ अल्लाह बिदत गवारा नहीं हूँ। अल्लाह जी अकीदे की गैरत पसंद दे सानू माफ़ कर दे। किदे मोमनो ईमान दी तजदीद हो गई, बख्शे रब ने गुना समझो ईद हो गई। शिरक छड़ जिन्ना मनी रब दी तौहीद, बिदत छड़ जिन्ना मनी नबी दी हदीस, जन्नत ओना खुश नसीबा नू नसीब हो गई। दुध पानी नाल जो अफतारियां करानगे, दुध पानी नाल जो अफतारियां करान गे, हौजे कौसर उतो नबी पाक पिलाणगे। दुध पानी नाल जो अफतारियां करानगे, हौजे कौसर उतो नबी पाक पिलाणगे। मजा आएगा जदों सोने दी दीद हो गई, मजा आएगा जदों सोने दी दीद हो गई। बख्शे रब ने गुना समझो ईद हो गई, जिदे मोमनो ईमान दी तजदीद हो गई, बख्शे रब ने गुना समझो। अल्लाह पाक अज जड़ियां दो गल्लां कीतियां ने ना मेरे कोल तुहाडे नाल करन वास्ते, एद नालों खुदा दी कसमे सोहणियां गल्लां है ही कोई नहीं, क्योंकि तुसी नमाजी भी हो, तुसी रोजेदार भी हो, माशाल्लाह साहिबे शरा भी हो, और माशाल्लाह हलाल भी कमाते हो, बस घट खाओ ते तुसी बोलते नहीं। मैं जुमा फिर ना शुरू कर दा, मैं बाहर दिया दा ख्याल ना हो ते तुहाडा लाज यही है, सारे क्यों नहीं बोलते घट खाओ ते। ते इत्थे अहीं बंदूकां तानण नहीं आए, तोपां खोलण नहीं आए, इन्ना करंट खुदा जाणदा ना यार, दर गुजरी भी कुछ है भाई यार, प्यार भी कुछ है भाई, मुहब्बत भी कुछ है भाई यार, है प्यार नाल यार मुहब्बत वंडो, छड्डो यार जिदा जिदा करके की कर लिया है, मुहब्बत वंडो यार, थोड़े जे सह रह गए ने, पता नहीं फूक कितों निकल जानी है। अल्लाह पाक जो सुनिया अमल दी तौफीक अता फरमा। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जत अम्मा यसिफून, वसलामुन अलल मुरसलीन, वलहमदुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।